प्रजातंत्र पंचस्तरी वर्ष पूर्ति अवसर कार्यक्रम उद्घाटक भारत बर्षर यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह महाशय ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय श्री नवीन पटनायक महाशय मंच रे उपस्थित थिवा भारत बर्षर विशिष्ट साहित्यिका पद्मभूषण श्रीमती प्रतिभा राय महाशय आज कार्यक्रम मुख्य सूत्रधर प्रजातंत्र संपादक तथा लोकसभा वरिष्ठ सदस्य माननीय भर्तृहरि महताब महाशय प्रजातंत्र परिवार समस्त सदस्य गुरुजन माने मातृशक्ति युव साथी माने नागरिक वृंद सांबादिक बंधुगण अन्यान्य अतिथि महाशयगण आज मो पाई एक सौभाग्यर दिन एक गौरवर दिन ओडिशा को आज एक नुआ परिचय देवार दिन जेते बेले देशर स्वतंत्रतार पंचस्तरी वर्ष पालन करा जाउची अमृत महोत्सव पालन करा जाउची देशरे त्रिरंगा यात्रा आयोजन करिकी आउ थरे नवजागरण जागृति सृष्टि करिवार सामाजिक प्रचेष्टा होउची सुखद संजोग आम ओडियांकर अन्यतम परिचय प्रजातंत्र भी पंचस्तरी वर्ष पूरा करिचे आज दिन रे मु प्रजातंत्र तथा ओडिया बौद्धिक संपदा को नतमस्तक हो प्रणाम जनाऊँची कारण प्रजातंत्र भर्तृहरि बाबू कहिले प्रजातंत्र राजनीतिक उद्देश्य थिला मु जन ओडिया भावे मु ए प्रकार भावे प्रजातंत्र केवल राजनीतिक उद्देश्य मैंने सठिक राजनीतिक उद्देश्य प्रवर्तक नथिला मार्गदर्शक नथिला प्रजातंत्र ओडिया जन आकांक्षार ओडिया लोक अपेक्षार ओडिया जनजीवन सठिक दर्पण थिला ओडिया संस्कृति ओडिया साहित्यर प्रजातंत्र हुए तो अनेक मुख्यमंत्री मान को बनई थाई पाने अनेक मुख्यमंत्री मान को लोकंक आगरे नतमस्तक करई थाई पारे ये कटक सहर तर अनेक साक्षी अछि किंतु प्रजातंत्र को मु एई भलिया भावे देखे जदि 11 वर्ष बयसरे आदरणीय प्रतिभा राय को कलम चलेबार सुजोग न मिलि थांता ताहाले हम ओडिया ज्ञानपीठ पुरस्कार रु वंचित हेतांता मु प्रजातंत्र को एही पाई मन भितर श्रद्धा करे जे प्रजातंत्र सामूहिक भावे ओडिया स्वाभिमान रो ओडिया अभिव्यक्तिर गोटे निच्छक कथा ओडिया लोक माने आमे जेतेबेले एकाठी हवा आज संजोग गृहमंत्री एठी उपस्थित अछंती प्रजातंत्र प्रतिष्ठाता डॉक्टर हरे कृष्ण महताब महाशय ओडिया जनजीवन स्वाधीनता पूर्वर ओडिशार लड़ई स्वाधीनता परवर्ती अवस्था रे ओडिशार दृष्टि याकु प्रजातंत्र किंबा डॉक्टर महताब को छाड़ी के कल्पना करा जाई न पारे बंधुगण आज यही पाई सुखद संजोग कहिबी जे जो काम महताब आ सरदार पटेल महाशय स्वाधीनता पूर्वरु स्वाधीनता तत्कालीन परे गड़जात मिश्रण मु गड़जात अंचल अधिवासी ओडिशार मु जाने से पीड़ा को से वेदना को से आकांक्षा को से समर शासक माने कर खजना पाई अधिकार पाई गड़जात पिला माने सेतबेले रेवेन्सा कॉलेज को पढ़िबा पे आसिला बेले मोगलबंदी अंचल रे मिलुथबा स्टाइपेंड मिलु नथला गड़जात रे समस्या को समाधान करथिबार ना हैला श्री डॉक्टर महता से महता पटेल को सांगरे मिसिकी राजा राजुड़ी अंचल को नुआ भारत सांगरे मिसौथले आम समस्तंकर गर्व पटेल कर से दृष्टि को सठिक सहयोगी भावे ओडिशा माटिने नीलगिरी आम राज्यर प्रथम गड़जात जे कि जातीय स्तर रे एक नंबर हेतिला परवर्ती अवस्था ने जो अंचल रु माननीय गृहमंत्री आसुचंती तांको
शासन जो अंचल सीए थे सी परवर्ती अवस्था पटेल नेतृत्व में मिसले आज देखु संजोग 1905 मसीह जिते नरेन्द्र मोदी द्वितीय थर सरकार हला अमित शाह गृहमंत्री हेले पटेल आ महताब जो स्वप्न देखी जो काम अधा रही जाता से अधा काम को जम्मू काश्मीर रु धारा 370 उठे के पूरा कर ले। बंधुगण आम महानदी कूल एकाठी अच्छा ये क्षण चित्र आम देखुले हीराकुद ड्याम स्वप्न आ कल्पना सेतबेले हीराकुद ड्याम ओडिया लोक माने ओडिशार नेतृत्व यही दृष्टि तैयारी करते विजन थिला जे ओडिशार उपकूल अंचल रे बन्यारु केमती आम मुक्ति पाइबा पानी को अटकेबा आज 75 वर्ष परे आवश्यकता अच्छी पानी केमती घरे घरे पहुँचबा पानी केमती सब जमी को पहुँचबा 25 वर्ष आउ आम सामनार अच्छे स्वतंत्रतार 100 वर्ष पूरीवाई प्रजातंत्र को 100 वर्ष पूरुथ प्रधानमंत्री सठिक भावे या को अमृत काल कहिचंती ये अमृत काल रे प्रजातंत्र रो ये उत्सव रे आमे ओडिया माने संकल्प करू जे आमे ओडिशा को भारत बर्षर नुहे पृथ्वीर एक अग्रणी अंचल भावे तैयारी करिबा पाई प्रजातंत्र ओडिशार पूर्वज माने मधुबाबू हुंतु गोपबंधु दास हुंतु बक्सी जगबंधु हुंतु वीर सुरेन्द्र साय हुंतु लक्ष्मण नायक हुंतु बाजी राउत हुंतु ए समूह जो स्वप्न देखिथिले ओडिशा को चरम वैभव को नवा पाई आसंतु आमे आगामी 25 वर्ष पर्यंत आमे संकल्प करिबा अमृत काल रे ओडिशा को इंग्रेज शासन रे जेतेबेले 100 वर्ष मुक्तिर पुरुथुब स्वतंत्रतार पूर्ति होतुब 100 वर्ष प्रजातंत्र ए प्रकार एक उत्सव हब आमे सेतेबेले स्वाधीनता परवर्ती अवस्था रे ओडिशा रो पुओ डॉक्टर महताब जाइथिले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को आइनस्टाइन को आगे भाषण देइथिले 100 वर्ष परे आमे आइनस्टाइन रो वंशज को कटक को डाकिबा ये 1000 वर्ष कटक रे विश्वर परिचय तैयारी करिबा ए हई आज संकल्पना हो बहुत बहुत धन्यवाद पुनर्वार प्रजातंत्र को अनेक अनेक शुभेच्छा प्रजातंत्र अनुजाई मान को अनेक अनेक शुभेच्छा प्रजातंत्र सह ओडिया जाति पाखरे आमे समस्ते कृतज्ञ जे प्रजातंत्र भलिया परंपरा को बंचै थिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीयुक्त प्रधान महोदय। पुस्तक लेखि से प्रसिद्धि लाभ करथिले परवर्ती समय रे से ओडिशा को फेरिले विश्व दर्शन कर सारी फेरिला परे ओडिशावासी तांकर हेगले एवं ओडिशा तांकर हेगला दीर्घ 2 वर्ष 2.5 वर्ष धरी केन्द्र रे मंत्री एवं परवर्ती समय रे 2000 मसिया रु आज पर्यंत ओडिशार जे मुख्यमंत्री आसन अलंकृत करि आउसंती आपण मानकर लोकप्रियता पाई से वर्तमान स्वयं राजनीतिर एक विश्वविद्यालय आमे अनुरोध करूछु ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय को से तांका वक्तव्य रखे। आपन मानन को समस्त को मोर नमस्कार। माननीय केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह, माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय सांसद श्री भर्तृहरि मेहताब, विशिष्ट पद्म भूषण तो लेखिका पद्म भूषण
श्रीमती प्रतिभा राय। सारा देश एबे स्वाधीनता रो अमृत महोत्सव पालन करुछि। असंत काले हेउची ऑगस्ट क्रांति दिवस आम इतिहास रो एक रेड लेटर डे। यही अवसर आम समस्त स्वाधीनता संग्रामी मानन को मोर प्रणाम जनावछि। यही समय रे प्रजातंत्र रो 75 वर्ष पूर्ति एक अमृत संजोग। यही खुशी अवसर रे आपन मानन को समस्त को प्रजातंत्र परिवार को मु अभिनंदन जनावछि। खुशी रो कथा एक कार्यक्रम रे आज आम सहित जोग देउछंती ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। मु तांकु उड़ीसा को स्वागत करुछि। The role of media in a democratic society can hardly be overemphasized. It should endeavor to uphold our great culture and moral values and promote national integration and communal harmony. Media should discharge its duty without any fear or favor. Media runs on the basis of people's trust. It is therefore expected that the media should prioritize the real issues of people rather than politics. Media essentially should be the voice of the people. India is led by a strong democratic value system. Our country stands tall on this foundational principle. Our democratic values have helped us to steer successfully through all the trials and tribulations in the course of these 75 glorious years. Media, being the voice of the people, must reflect our democratic value system and take a neutral stand in every aspect of society. Whether it's electronic or social media, it is the duty of every media house to maintain dignity and keep the secular principles in mind. Truth and non-violence are the cardinal principles that guided our freedom struggle. In the 75 years of independence, let's pledge together to preserve and strengthen these values and every sphere of society. My best wishes to Prajatanta. Let truth always prevail. Bande Utkal Janani. Jai Hind.
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं एक स्वतंत्र संयोजन यही उपलक्षे एक पोस्ट कार्ड एवं स्पेशल डे कवर माननीय मुख्य अतिथि द्वारा उन्मोचित हो ना आई रिक्वेस्ट द चीफ पोस्टमास्टर जनरल ओडिशा सर्कल टू हैंड ओवर द ब्लो अप एंड आल्बम कंटेनिंग पिक्चर पोस्ट कार्ड टू द डिग्निटरीज special commemorative picture postcard and subsequently a special cover. I request the dignitaries to release the picture postcard designed on the occasion of celebrating 75 years of the Prajatantra. Now I request the Chief Postmaster General Odisha Circle to hand over the blow up and album containing special cover to the dignitaries. And now we request the dignitaries to release the special cover designed on the occasion of celebrating 75 years of the Prajatantra. Special cover. धन्यवाद ओडिशा सर्कल मुख्य डाक महाप्रबंधक जहाँ का जीवन राष्ट्रवाद राष्ट्रीय सुरक्षा गणतंत्र सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता गांधीवादी समाजवाद एवं एकात्म मानववाद सहित संपर्कित जी जोगी श्री अरविंद एवं चाणक्यों द्वारा अनुप्राणित देशर सर्वकनिष्ठ गृहमंत्री साधारण बूथ कर्मकर्ता आसी राष्ट्रीय स्तर में सर्वोच्च सम्मान पाइबारे विरल व्यक्तित्व चर्चित व्यक्तित्व आम सहित आज अच्छा केन्द्र गृह एवं समवाय मंत्री श्री अमित शाह महोदय अनुरोध करुचु से वक्तव्य रखिए मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मंच पर उपस्थित उत्कल भूमि के वरिष्ठ नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मेरे मित्र और ओडिशा का प्रतिनिधित्व जो मोदी जी की मंत्रिमंडल में करते हैं, जिनके जिम्मे नई शिक्षा नीति को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा है, ऐसे श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको देश की संसद ने श्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया है, और डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी का लेगेसी को जो आगे ले जा रहे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ सांसद श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, वरिष्ठ साहित्यकार बहन राय जी, और आज
कटक की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए सभी उत्कलवासियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं जब भी उत्कल भूमि पर आता हूं तो महाप्रभु को प्रणाम कर भूमि पर पग रखता हूं। मैं देश के पश्चिम के सागर छोर से आता हूं और पूर्व के सागर छोर पर जब उत्कल भूमि पर उतरता हूं तब मुझे बरोबर मन में भक्ति भाव के साथ याद है अहमदाबाद में भी जगन्नाथ है, पुरी में भी जगन्नाथ। जगन्नाथ ही है जो पूरब से पश्चिम तक समग्र देश को भक्ति और संस्कृति से जोड़कर रखता है, यही महाप्रभु है। भाइयों बहनों, आपके और भोजन के बीच में मेरा भाषण है तो ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल कटक भर्तृहरि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि आजादी के अमृत वर्ष के वर्ष में ये साल है, ये वर्ष है जिन्होंने अपनी जान न्योछावर की देश के लिए, वो आजादी के सभी आंदोलनों वीरों का, स्वतंत्र सेनानियों का स्मरण करने का, जिन जिन संस्थानों ने आजादी के लिए अपना योगदान दिया उसको एक्नोलेज करने का। और मैं आज यहां आया हूं उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और प्रजातंत्र दोनों को प्रणाम कर आजादी में उनके योगदान को नमन करने के लिए आया हूं। उत्कल केसरी डॉक्टर मेहताब ने न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद भी केंद्रीय मंत्री, मुंबई के गवर्नर, ओडिशा के मुख्यमंत्री और प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के नाते उत्कल प्रजा को हमेशा के लिए गौरव दिलाने का काम ये उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने किया। और उनके बनाए हुए रास्ते पर आज भर्तृहरि जी प्रजातंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। 75 साल मुखपत्र के, समाचार पत्र के 75 साल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मगर 75 साल एक विचार को, देश को और जनता के हितों को समर्पित रखते हुए, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर, समाधान करे बगैर, हमेशा उत्कल जनता की आवाज बनते हुए एक अखबार चलाना, वो उससे भी बड़ी बात है। चाहे आपातकाल हो, कालाहांडी हो, एसआरसी आंदोलन हो या छात्र आंदोलन 64 का हो, हर आंदोलन को आवाज देने का काम ये प्रजातंत्र ने किया। और आज 75 साल होने आए हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देश की जब शताब्दी मनाई जाए तब प्रजातंत्र भी की भी शताब्दी इसी गौरव के साथ हम लोग मनाए। जो भी होंगे, जो भी करता धरता होंगे वो मनाएंगे। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी उत्कल वासियों को हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि इसी महान उत्कल प्रदेश की गरीब घर में जन्मी हुई बहन द्रौपदी मुर्मू आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी। देश की संविधान सभा की रचना का मेरा बहुत डिटेल अभ्यास है। संविधान सभा एक प्रकार से हर प्रदेश का, जनता के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, मगर एक कमी थी संविधान सभा में कि उसमें एक भी ट्राइबल महिला का स्थान नहीं था। हमारी संविधान सभा में एक भी ट्राइबल महिला नहीं थी। आज उसी संविधान से बने हुए प्रजातंत्र में गरीब से, गरीब घर से आई हुई बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर विराजी है।
मैं मानता हूं उत्कल भूमि के लिए, देश भर के आदिवासियों के लिए और देश भर के गरीबों के लिए ये बहुत गौरव का मौका है। मैं फिर से एक बार उड़ीसा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के अच्छे दिन आ गए हैं। आप सुनिए तो क्यों अच्छे दिन आए। द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम बनकर बैठी है, धर्मेंद्र भाई शिक्षा मंत्री बने हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ओडिशा के हैं, हमारे टूडू भी मंत्रिमंडल में है। इतना प्रतिनिधित्व ओडिशा को आजादी के बाद कभी नहीं मिला था जितना आज मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ओडिशा के सर्वांगीण विकास के लिए ओडिशा सरकार को साथ में रखकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी का प्रयास है कि टीम इंडिया के नाते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आगे बढ़े। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं ओडिशा के अंदर विकास की अपार संभावनाएं पड़ी हैं। यहां पर दरिया भी है, व्यापार की उज्जवल परंपरा भी है, पुरुषार्थी उत्कलवासी भी है और पूरी धरती ईश्वर की कृपा से खनिज संपदा से भरी हुई है। आने वाले दिनों में ओडिशा का उज्जवल भविष्य मैं देख रहा हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब जी को इनके एक और योगदान के लिए भी याद करना चाहता हूं। मैं अभी देश का गृह मंत्री हूं। गृह मंत्री बनने के बाद पहले मैं गुजरात से आता हूं, हमेशा सोचता था कि सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को किस तरह से जोड़ा होगा। मैंने डॉक्यूमेंट देखा, मैं आज बहुत कम लोगों को मालूम होगा 1947 में सरदार पटेल इस क्षेत्र की सभी रियासतों को जोड़ने के लिए आए थे, तब उन्होंने इनके नेतृत्व में ये जिम्मेदारी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को दी थी कि सभी को भारतीय संघ में जोड़ा जाए। और वहीं से लेकर चाहे हीराकुंड की रचना हो, चाहे मुंबई के गवर्नर के नाते कठिन आंदोलनों को झेलना हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के नाते भूमिका निभानी हो, चाहे उड़ीसा के आर्थिक विकास, कृषि और संस्कृति को संबल प्रदान करने के तीनों क्षेत्र पर मुख्यमंत्री के नाते योगदान करना हो, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया था। आज आजादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार और समग्र देश की जनता की ओर से मैं भावपूर्ण तरीके से ये महामानव को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने कहा था कि कोई भी जनता को अगर महान बनना है तो सांस्कृतिक विकास के बगैर नहीं बन सकती। और ये हमारा उत्कल प्रदेश तो बहुत बहुत रीच सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहां पर भाषा का गौरव, यहां पर संगीत, यहां का नाट्यकला और यहां का साहित्य, ये सभी देश के कुछ उत्कृष्ट प्रदेशों के साहित्य के रचनाओं में से जाना जाता है। इसमें से एक हमारा उत्कल प्रदेश है। और मित्रों, यही विरासत को हमें आगे ले जाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को होगी। भर्तुहरि जी के साथ मैं राजभाषा प्रचार समिति में काम कर रहा हूँ। काम तो क्या कर रहा हूँ, वो ही चलाते हैं, मैं उनको साथ देता हूँ। इन्होंने देश की राजभाषा को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये भी आज इस मंच से मैं बताना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा न केवल उड़ीसा, समग्र देश के राज्यों के अंदर राजभाषा को बल देने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं फिर से एक बार अनेक अनेक शुभकामनाएं
प्रजातंत्र को इसलिए देना चाहता हूं कि सिर्फ अखबार नहीं है, सिर्फ अखबार नहीं है, एक ऐसा संस्थान है जहां से सैकड़ों कलम के भेखधारी, कलम के सन्यासी निकले हैं, जो कुछ साहित्य का सर्जन करे, कुछ पत्रकारिता में आगे गए, कुछ गद्य और पद्य का संकर सर्जन किए, और कुछ लोगों ने उड़िया का उड़ीसा प्रदेश के गौरव गान के अंदर पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 75 साल में प्रजातंत्र ने अनेक साहित्यकार, अनेक पत्रकार देने का काम किया है, पत्रकारिता की ज्योत को तो जलाए रखा ही है, उसके पत्रकार धर्म को तो संभाल कर रखा ही है, मगर साथ में योगदान लेने वाले सैकड़ों लोगों का सर्जन कर समाज जीवन में भेजने का भी काम किया है। मैं आज प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रजातंत्र और मजबूत हो और लोकप्रिय हो, और शताब्दी जब मनाई जाए इससे बहुत बड़े समारोह के अंदर शताब्दी मनाई जाए, यही शुभकामनाएं देकर उत्कल प्रदेश की जनता को, भाई भर्तृहरि मेहताब जी को और प्रजातंत्र की पूरी टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय गृहमंत्री, आपणकर अभिभाषण निश्चित भाव में उत्साहित करथिबो। आपण माने देखुथिबे एथि लेखा आइछि द वॉइस ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो लोकमानक पई प्रजातंत्र कार्य करछि सेमानक भितरु तीनि जण विशिष्ट प्रतिभांकु आज सम्मानित कराजिबो। आमे अनुरोध करछु जणक परे जणे सेमाने मंच उपरकु आसिबा पई। प्रथमे श्री लक्ष्मीधर रणा जे सम्मानित हेबे बरपुत्र मानंकर मूर्ति निर्माण करिवारे तांकर विशेष प्रतिष्ठा रहिछि। पिता दामोदर रणाक सहित मिसी से कार्य करूथिले एवं प्रख्यात शिल्पी अनेक बरपुत्र मानंकर मूर्ति को से निर्माण करछन्ते श्री लक्ष्मीधर रणा। परवर्ती प्रतिभा अनुरोध करूछु मंच निकट को चली आसिबा पई। जय जगन्नाथ सेवा समिति ट्रस्ट कटक मनोज पंडा एवं तंक सहयोगी माने जो माने स्वच्छता पाई कार्य करती निरल स्वभाव रे एवं सबु समय रे से माने स्वतप्रवृत भाव रे स्वच्छाग्रह पाई आग्रह देखी थांती। जय जगन्नाथ सेवा समिति ट्रस्ट। जय जगन्नाथ सेवा समिति ट्रस्ट। परवर्ती प्रतिभा जने विशिष्ट व्यक्ति विशेष श्री अनुसूया प्रसाद पाठक जी महात्मा गांधी सहित कार्य करते महात्मा गांधी रचनात्मक कार्य को हिंदी रे प्रसारित करते भाषा जरिया रे एकता प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करते प्रत्येक कांग्रेस अधिवेशन रे हिंदी भाषा उपर प्रस्ताव गृहित होता लेखुले धर्मपत्नी श्रीमती विनीता पाठक आज आम गण से उपस्थित अच्छा राष्ट्रभाषार प्रचार एवं प्रसार दिगरे जहाँ स्वामी दीर्घ दिन धरी कार्य करते से ही कार्य को वर्तमान